बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देसी विलेज फूड्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमारी रेसिपी है आलू भरते की। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हसबे मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पे हम बहुत ही मज़े की फ़नी वीडियोस अपलोड करते हैं जिनको बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। तो आइए आज की ये मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो लकड़ियाँ जलानी हैं वो ले लेते हैं। रेसिपी का सारा सामान हमने तैयार कर लिया है, अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे में आग हमने जला ली है, अब हम एक देगची चूल्हे पे रख लेते हैं। देगची में पानी डाल लेते हैं आलू बॉईल करने के लिए। अब हम देगची में आलू डाल लेते हैं जिनको मैंने छील के छोटे पीसेस में काट लिया है। आलू काट कर बॉईल करें तो ये जल्दी उबल जाते हैं। अब हम इनको कवर करके उबलने के लिए छोड़ देते हैं। आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। अब हम इन आलूओं को निकाल लेते हैं। आलू हमने निकाल लिए हैं, अब हम इन आलूओं को एक घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इन आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेते हैं।
आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। अब हम उसमें आधा कप घी डाल लेते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम डाल देते हैं 1 टीस्पून सफेद जीरा और 3 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा रोस्ट हमने कर लिया है। अब हम डाल लेते हैं 2 प्याज फाइनली चॉप किए हुए। प्याज डालने के बाद हम इनको हल्का फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा हल्का फ्राई हो चुका है। अब हम डाल लेते हैं 3 टमाटर फाइनली चॉप किए हुए। टमाटर डालने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करते हैं, 2 मिनट तक और भून लेते हैं। पाउडर मसाले हमारी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम डाल लेते हैं मैश किए हुए आलू। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 5 मिनट तक और भून लेते हैं। पाँच मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम डाल लेते हैं 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आए, इसको आप शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक टाइम पे पहुंच सके। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।